नमस्कार दोस्तों, सीड ऑफ लाइफ एग्रीकल्चर में आपका स्वागत है। अभी दोस्तों आज की हमारी वीडियो भाई बिट्टू भाई के यहाँ से, और जो हमारी वीडियो बनाने का उद्देश्य है भाई वो सिर्फ इस वजह से है कि तकरीबन कई बार हम देखते हैं कि भाई मोस्टली कई भाई हमारे मूलतः देसी भारतीय देसी नस्ल की जो गाय रखते हैं, जिनके पास ज़्यादा गाय हैं और अच्छे दूध की गाय हैं, तो भाई उन गायों से एक छोटा सा सेटअप ये भी डाला जा सकता है भाई, जिन भाई के पास अच्छे दूध की देसी गाय हैं। आप देख भी रहे हो भाई बिट्टू भाई ने जो स्टैचू, अगर आप बात करें प्रतिमा भी देसी गाय की बना रखी है भाई। ये देखिए देसी गाय के दूध व घी से बना घेवर ही घेवर, काफ़ी अच्छा। तो आइए आपको मिलाते हैं बिट्टू भाई से। बिट्टू भाई राम राम। राम राम भाई साहब, राम राम। बिट्टू भाई, ये जो आज मैं सेटअप देख रहा हूँ, ये एक अलग ही अपन चीज़ लगी कि भाई जो आपने करा भाई देसी गायों का आपा जो काम करा है, उससे जो ये अपन है भी काम करा ना भाई, सब देसी गायों को बढ़ावा देने के लिए कर रहे हैं। भाई सब ने पता लगा भाई देसी गुणा का, तो पता ही है भाई साहब आदमी ने आज के दिन देसी गाय के घी दूध में क्या गुण है। तो अपना ही अपना भी सीजन का टाइम चल रहा था, हमने भी सोचा अपनी देसी गाय के दूध से जितने कस्टमरों को अच्छे से अच्छा जोर खिलाया जाए उसके दूध से खोए से, तो हमने भी चालू कर दिया फिर। तो भाई दोस्तों देखो एक चीज़ और मैं बताता हूँ भाई, ये देखिए भाई जो बिट्टू भाई ने देसी गाय के घी दूध से जो कार्य कर रखा है, देसी घी से भाई अपना देसी घी की जलेबियाँ आप देख सकते हो भाई दोस्तों, और ये जो मावे वाला घेवर है मैं आपको दिखाऊंगा भाई, ये देखिए काफ़ी अच्छा मावे वाला घेवर, और ये अपना भाई देसी गाय के दूध का दूध वाला घेवर दोस्तों आप देख सकते हो। और भाई एक चीज़ और, बिट्टू भाई का जब मेरी बात हुई थी तो बिट्टू भाई होता था, कह रहा भाई सेल परचेज अपनी जगह है, लेकिन जो तकरीबन फार्म पर मैंने देखा भी है भाई, बिट्टू भाई के यहाँ हर टाइम 7 से 8 गाय 20+ किलो दूध की हमेशा हर टाइम रहती हैं। तो उसका जो भाई जो दूध का जो भाई ने यूटिलाइजेशन करी है वो देखो भाई दोस्तों आप, जितना ज़्यादा दूध भाई के फार्म पर होता है उसी हिसाब से भाई फार्म के हिसाब से भाई ने काफ़ी अच्छा एक आप कहते हैं ना भाई समय के हिसाब से चलने के लिए भाई ने जो काम करा वो देख सकते हैं भाई दोस्तों। और जितने भाई हैं जो देसी गाय रखते हैं और जिनके आसपास शहर लगता भाई दोस्तों, वो सीज़न में देसी गाय के दूध से और घी से भाई दोस्तों अपना इस तरह का कार्य भी कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा कार्य जो बिट्टू भाई कर रहे हैं दोस्तों। मैं दिखाता हूँ और एक एक करके दिखाऊंगा। बिट्टू भाई एक बार बाहर आ जाओ, भट्टी दिखाओ वो जिसपे भाई अपना दूध का पा डाले कर, दूध देखो भाई खोवा काटा कर जिसपे, ये देखिए भाई भाई का जो ये दूध है भाई ने इसमें भट्टी में डाल दिया, और काफी बड़ी भट्टी भाई ने लगा रखी है। तो 2 क्विंटल दूध का इकट्ठा मोवा मार देती है, 2 क्विंटल दूध का इकट्ठा मार देती है। तो भाई दोस्तों आप देख सकते हो भाई जो भट्टी पे मोवा तैयार हो रहा है ताजा, मतलब देसी गाय का दूध और देसी गाय का घी का। तो बिट्टू भाई जो अपना भाई कई गाय ले रहे हैं उनके लिए भी भाई आप भाई साहब जो भी भाई 10-15 गाय ले रहा है, जो काम चालू करने में नुकसान तो कुछ है नहीं, बढ़िया बनाओगा बढ़िया खुआओगा भाई साहब, चीज़ तो अपने आप ही बिकेगी। जब भी भाई कोई टेस्ट करेगा तो अपने आप ले लेगा। बिल्कुल सही बात, जितना एक्स्ट्रा दूध होता है अपने पास 40-50 किलो उसी दूध का अपना खोआ काट लेते हैं, और डेली सुबह जितना खोआ काटते हैं और शाम को निकालते हैं उतना ही माल बनाते हैं, उतना ही आराम से सेल हो जाता है डेली की डेली। और बिट्टू भाई जिस तरह अपना आपने देसी गाय का काम कर लिया, हाँ, और इसकी सेलिंग कैसी चल रही है भाई? सेलिंग बढ़िया चल रही है भाई साहब, इसकी बढ़िया चल रही है। तो सेलिंग पे ध्यान कम कर दिया, जो दूध इकट्ठा होया करता लालच वगैरह दूध का, 10-15-20 दिन है भाई साहब इतने दूध का मोवा बेच देंगे और बेच दें, सेल तो उन गाय ने फेर करते हैं जब तक दूध रहा तब तक आ जाएंगे गाय, तो बाद में सेल हो जाएंगे। और बिट्टू भाई बहुत से बार कई बार लोगों का जो नए बंदे देखे ना उनका यो भी डाउट रहा है कि वाकई में भाई देसी गाय का है कि नहीं है, यार बताओ भाई। तो बस आपके सामने ही आप आए थे दूध निकाल रहे थे, जो ड्राम भर के ले आए थे खोआ काटने खातर लगा दिया, एक 1.5 घंटे में खोआ निकल जाएगा। तो अपने तो भाई दोस्तों ये चीज मैं आपको बताऊंगा कि भाई इसी वजह से मैंने सारी चीज़ करी थी भाई के डेयरी फार्म में, मैंने दूध की भी वीडियो कवर करी, मैं आपको दिखाऊंगा भी जो इसमें साथ में क्लिप लगाऊंगा। कई बार भाई लोग सोचते हैं कि भाई ये सही में देसी गाय का है कि नहीं है, वो सारी चीज़ बताऊँगा। और बिट्टू भाई का जो देसी गायों पर फोकस है काफ़ी अच्छा है, मूलतः भारतीय नस्ल की लगभग सारी ब्रीड की भाई के पास गाय है। बिट्टू भाई कौन कौन सी है अपने पे? अपने पास हरियाणा थारपारकर साहिवाल और गिर। तो बिट्टू भाई जाति बढ़िया रहती है यहाँ पे। और कारीगर कहाँ से लाए भाई? कारीगर तो पहले पिनाड़ा काम कर रहे हैं, 2 कारीगर, दो एक जलेबी का मेरे पास पहले से 3-4 महीने पहले से, अभी जब से चालू किया जब से ये 2 कारीगर पहले पिनाड़ा में 2-3 साल पहले काम कर चुके हैं पिनाड़ा में। हाँ तो भाई दोस्तों घी देसी गाय का घी और दूध कारीगर पिनाड़ा का, और लोकेशन किनाड़ा के पास है भाई बिट्टू भाई की, मेन हाईवे के ऊपर है। मैं आपने दिखा भी देता हूँ भाई दोस्तों बिट्टू का ढाबा, और भाई आप सामने देख भी रहे हो दोस्तों, ये देखिए
देसी गाय के दूध में घी से बना घेवर ही घेवर काफ़ी अच्छा। जो सीजन में भाई दोस्तों जिन भी भाइयों के पास शहर लगता है या आसपास कोई अच्छी लोकेशन है या कस्बा है वो मूलतः भाई अपना भारतीय नस्ल की अच्छी गाय ले रहे हैं, तो भाई एक ऑप्शन ये भी है कि भाई वो अपना कार्य इस तरह अच्छा करके भाई एक अच्छा अपना प्रॉफिट भी ले सकते हैं। क्योंकि आजकल जो टाइम पीरियड चल रहा है सबसे बड़ी समस्या क्या है कि प्योरिटी में चीज़ें मिलना, क्योंकि शुद्ध चीज़ें आजकल लगभग मिलती नहीं है। मिलती नहीं है भाई साहब, बिल्कुल ये तो सच्चाई है, शुद्ध चीज़ कहीं मिलती नहीं है। अपना तो सोचना ही बातें कौन भाई साहब, एक बार वो पिनाना पिनाना और ये पिनाना की ओर खा लो, अपना खा लियो, आपे बता दे, अपन बताने की जरूरत कौन है, कोई अंतर नहीं है, एकदम बराबर, बिल्कुल उससे अच्छा है भाई, उससे अच्छा है, बिल्कुल भाई। यार काफी यार भाई देखो बहुत बढ़िया जो भाई ने कर रखी है, जो मुहिम भाई ने छेड़ी हुई है, देखिए भाई भाई के पास जो बंदे दूर दूर से लेने भी आए हुए हैं, एक भाई खड़ा है, दो और एक बिट्टू का पीछे खड़ा भाई, तो यानी कि भाई का जो कार्य है वो सही चल रहा है यार, काफ़ी अच्छा है भाई। आज के टाइम में जो प्योरिटी में अगर आप बात करें ना, प्योर चीज़ें मिलना बहुत मुश्किल है, और जो अपना देसी गाय का भाई का बहुत बढ़िया डेयरी फार्म भी है, सारी चीज़ें हैं, तो प्योरिटी के साथ जो चीज़ें मिल रही हैं। अब बात करेंगे भाई के, भाई बिट्टू भाई जो रवि भाई से जुड़े हुए भाई को 10-15 किलो से ऊपर की ओर मंगावा तो भाई का पहुँचाने का भी कष्ट करें किसी न किसी माध्यम से, तो मतलब कि आप ऑनलाइन भी आप बेच सका। हाँ, जरूर बिल्कुल बेचगा भाई, 10-15 किलो से ऊपर का ऑर्डर हो कम से कम, 10-15 किलो से। हाँ। तो भाई बिट्टू भाई ने बताया 15 किलो से ऊपर का ऑर्डर होगा तो आपको होम डिलीवरी भी दे देंगे, काफी अच्छी भाई जो भाई कार्य कर रहे हैं बहुत बढ़िया है। बिट्टू भाई एक बार अपना कम्प्लीट एड्रेस जरूर बता दे। भाई मेरा गाँव अनूपगढ़ है और अपने जो स्टॉल है ये अनूपगढ़ और किनाना के सीम के ऊपर है और डिस्ट्रिक्ट जींद है हरियाणा प्रदेश। भाई दोस्तों आपने दिखाऊंगा भी काजू भी पूरा भर का गेड़ा भाई, दिखाइए वो काजू वाला भाई जो घेवर में है अपना, मैं अपने घेवर पे भी दिखाऊंगा जो काजू बादाम अगर आप बात करा किशमिश पिस्ता की सारी चीज़ भाई अपना भर के डालना है। ये देखिए भाई जो मैंने बाहर रखा हुआ दिखाया, मैं इस पर दिखाऊंगा, ये देखो भाई जो शुद्धता में अगर आप बात करें ना, प्योर देसी गाय का घेवर आपको मिलेगा, अपना प्योर देसी गाय के दूध से बना और घेवर भी है भाई देखो। और बिट्टू आजकल जो सबसे बड़ी घेवर में समस्या है ना, लोग मीठा ज्यादा करते हैं, बिल्कुल है ही नहीं भाई साहब, अगला खा के नु गए ना के बराबर मीठा, ना के बराबर मीठा। तो भाई उन लोगों के लिए भी ऑप्शन है भाई, ये जो अपने आप भाई हैं जो कम मीठा खाते हैं, इस चीज का भाई ने पूरा ध्यान रखा गया। टेस्ट करो भाई साहब, अरे दूध वाला जो मोड़ती है पर टेस्ट करो भाई, ये तो भाई यार बाहर से ने टेस्ट करा लेंगे आपा, आइयो भाई एक बार आगे। और भाई साहब ठीक हो भाई, एक बार घेवर टेस्ट करके दाना मीठा ज्यादा है कम है, क्योंकि आजकल मोस्टली समस्या क्या है कि लोग घेवर में मीठा ज्यादा डालते हैं। भाई ने दिखा भाई ये बता देगा जो भाई लेना आ रहा हो वो ये बता देगा। जो भाई कम मीठा जी, कम मीठे का घेवर है ये देखो लो भाई, और भी भाई यार इनसे और पूछ लेंगे भाई साहब मीठा ज्यादा है कम है, ना ज्यादा ना कम, बिल्कुल जो अपना रूटीन होना चाहिए, अच्छा बढ़िया बहुत बढ़िया है, नुकसान ज्यादा मीठा तो नुकसान करे लेकिन बिल्कुल कंडा का डाल रहे हैं बराबर का, यानी कि शुगर वाला मरीज भी खास के इसने। भाई देखो काफी अच्छा भाई ने घेवर तैयार करा है। भाई दोस्तों बिट्टू भाई के आप घेवर के लिए संपर्क कर सकते हैं, मैं वीडियो में भाई का नंबर डालूंगा। दोस्तों ये जो भाई ने कार्य करा है ना अपना, इस कार्य से भाई कहीं ना कहीं भी मूलतः हमारा जो भारतीय देसी नस्ल है उनको बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि आज के जमाने में भाई प्योरिटी में और शुद्धता में चीज़ें मिलना बहुत मुश्किल है। जिस तरह बिट्टू भाई ने करा है, देसी गाय का भाई का जो डेयरी फार्म है उसी की गाय का दूध से, उनकी गायों के घी से जो भाई ने अपना घेवर का काम शुरू किया है, अपने आप में बहुत बढ़िया करियर भाई, कहीं ना कहीं हमारे जो मूलतः भारतीय नस्ल की देसी गाय है उन्हें बढ़ावा मिलेगा, उनकी कदर भी होगी, क्योंकि लोग जब प्योर चीज़ें खाएंगे तो भाई शरीर भी और सेहत भी दोनों ही स्वस्थ रहेंगी, और भाई हमारा जो शरीर में एक अलग ही फुर्ती जो अपना मूलतः भारतीय देसी नस्ल में पाई जाती है भाई, वही गुण हमारे शरीर में उसके दूध और घी से जो आते हैं वो हमें एज इट इज मिलेंगे और काफ़ी शुद्धता में चीज़ें मिलेंगी। तो दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। जय गो माता की दोस्तों, जय गोपाल।